गुम है किसी के प्यार में शो से एग्जिट के बाद आखिर क्यों नील भट्ट नहीं करना चाहते हैं आयशा सिंह के साथ अपकमिंग प्रोजेक्ट, ये है वो बड़ी वजह। तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि क्या है वो बड़ी वजह जिसके चलते आयशा और नील के रिश्तों में चल रही है बड़ी खटास। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। आयशा सिंह और नील भट्ट को जितना लोग प्यार करते हैं उतना ही शायद इनके बीच में तकरार भी चल रहा है, लेकिन भले ही ऑफ स्क्रीन कितना भी बड़ा कोल्ड वॉर चल रहा हो लेकिन ऑन स्क्रीन इनकी जोड़ी को सर आंखों पर लोगों ने बिठाया है। नील भट्ट ने हमेशा से ही एक अनप्रोफेशनल रवैया इख्तियार किया है, ऐसा आयशा सिंह के फैंस भले कितने ही मन मुटाव हुए हों आयशा और ऐश्वर्या के बीच में, लेकिन आयशा सिंह ने जब भी मीडिया के साथ बात किया है आयशा ने दोनों ही हस्बैंड वाइफ की तारीफ की है। नील के साथ तो ये भी कहा है आयशा सिंह ने, उनको मौका मिलेगा तो वो ज़रूर नील सर के साथ काम करना चाहेंगी, लेकिन नील भट्ट ने ये साफ कर दिया है कि उनका फिलहाल कोई भी मन नहीं है आयशा सिंह के साथ अपकमिंग प्रोजेक्ट करने का। वेल आपको बता दें इसकी एक बड़ी वजह है ऐश्वर्या शर्मा। ऐश्वर्या शर्मा खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 से अब रिटर्न आ चुकी हैं और रिटर्न आते ही ऐश्वर्या शर्मा ने अपने हस्बैंड से ये साफ कह दिया है कि वो आयशा सिंह के साथ शो ना करें, आयशा सिंह के साथ रिलेशन ना रखें। वेल आयशा के ही चलते ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट में भी दूरियाँ देखने को मिल रही थी, हालाँकि अब जब नील भट्ट के पास उनकी वाइफ आ चुकी हैं तो ज़्यादा इनसिक्योर सा फील कर रहे हैं नील भट्ट। यही वो बड़ी वजह है कि वो मीडिया में आयशा सिंह का नाम लेने से भी बच रहे हैं। वेल आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये सारी लड़ाई और झगड़ों के बाद भी आप मानते हो कि आयशा सिंह और नील भट्ट को अपकमिंग प्रोजेक्ट में एक साथ आना चाहिए, या आप मानते हो जी नहीं आयशा सिंह बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, आयशा सिंह को किसी की ज़रूरत नहीं है, आयशा सिंह किसी भी एक्टर के साथ काम करेंगी तो वो ही पॉपुलर हो जाएगा। वेल बताइएगा ज़रूर आपका क्या है ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब।